नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज हमारे होंडा के शोरूम में और आपके सामने ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ये कोई आम गाड़ी नहीं है, ये होंडा की सिविक है 2019 अपडेटेड मॉडल। इससे पहले भी इंडिया में सिविक आई हुई है लेकिन इसका ये अपडेटेड मॉडल है। तो चलिए आज किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट अमनीश और आप देख रहे हैं थ्री आर थ्री ऑटोमोबाइल। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथ अभी नीरज मिश्रा, जिससे मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा कि इसका क्वेश्चन मतलब गाड़ी कैसा रिस्पॉन्स है, कस्टमर को देखने के बाद क्या बोलते हैं। तो चलिए मैं उनको बुलाता हूँ, तो आप आइए। और ये है नीरज मिश्रा, तो ये आपको बताएंगे इस गाड़ी के कुछ यूनिक फीचर के बारे में। तो पहले मैं इनसे एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ कि भैया ये गाड़ी को कस्टमर जब आते हैं इस गाड़ी को देखते हैं तो उनका कैसा रिस्पॉन्स आता है उनकी गाड़ी देखते हैं। लुक वाइज कॉफी ट्रेंडिंग और बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया हुआ है। अच्छा, आगे से ये वन व्हील गियर के साथ आपको बहुत ही फैसिनेटिंग लुक लगता है देखने में। जी जी। और नीचे आप आते हैं तो नीचे आप ये फॉग लैंप हो गया, जिसमें आपको फुली LED लाइट है। LED क्रोम यहाँ से आपको ये गार्नियस दीजिए, क्रोम गार्नियस। और आपका यहाँ पे नंबर प्लेट वाली प्लेस हो गई, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। जी। अब बात करते हैं इसके हेडलाइट के बारे में। हेडलाइट में इसका आपको पूरा एकदम फ्लोटिंग इंडिकेटर टाइप इसका हेडलाइट दिया गया है। यहाँ पे आपका एक दिया गया है आपको, आपको रात के समय बहुत ही अच्छा लुक देंगे जब आप नाइट ड्राइव करते हैं। और पूरा LED लाइट है जो आपको मोस्ट पावरफुल लाइट आपको लगेगी रात में जब हाईवे ड्राइव करेंगे। तो यही है। और इनसे पूछते हैं गाड़ी में सबसे आपको यूनिक फीचर सबसे अच्छा क्या लगता है। सबसे इसका यूनिक फीचर हो गया आपको रिमोट बटन स्टार्ट, ठीक है, जो आप बाहर से ही मतलब गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। और सनरूफ हो गया, विंडो हो गया, वो आप गाड़ी के बाहर से ही उसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। और गाड़ी रिमोट से आगे और नहीं रिमोट से आगे नहीं चल पाएगी। और सबसे एक यूनिक फीचर है लेन चेंजर कैमरा है इसमें। अच्छा। जैसे ही आप साइड इंडिकेटर लोगे तो आपको कैमरा ऑन हो जाएगा। तो ये सब अभी आपको डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे जब हम लोग गाड़ी के अंदर चलेंगे। तो अभी पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के बाहर के बारे में। अब चलिए आपको उसके साउंड लुक के बारे में ले चलते हैं। चलिए साइड में चलते हैं गाड़ी के साइड में। तो गाड़ी के साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको गैरेज है जो आपको बहुत ही अच्छे साइड में है। और यहाँ पर आपको LED में आपके यहाँ पे छोटे छोटे इंडिकेटर दिए हुए हैं। और आपको ये गाड़ी खोलेंगे ये स्मार्ट की इंटरीजिए गाड़ी, ठीक है ना। ये की मेरे हाथ में है, जैसे ही हम गाड़ी को टच करेंगे गाड़ी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ये आप उस देख मेरे गाड़ी लॉक है, गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो गया। मतलब इनके कहने का मतलब ये है जब आप गाड़ी यहाँ पे हाथ डालिएगा तो इसमें इसमें सेंसर लगा हुआ है जो आपके डोर ओपन कर देंगे। जब आपकी गाड़ी अनलॉक होगी तो आपके ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। और इस गाड़ी के आप एलॉय व्हील का मैं आपको फोटो दिखा दूंगा क्योंकि आपका मेरा कैमरा इतना वाइड लेंस नहीं कि आपका एलॉय व्हील है। एलॉय व्हील आपके पास फोटो आ गई होगी। एलॉय व्हील इसका आपका डायमंड कट है, 17 इंच व्हील्स है। तो आपको ये व्हील का डिज़ाइन कैसा लग रहा है, मतलब आपको ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है। हाँ, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और इसका 17 इंच का ये व्हील है। और इसमें आपको एक और ख़ास बात है कि इस गाड़ी में आपको पूरे आपको चारों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, तो ये भी एक इसका बहुत ही अच्छी बात है। और गाड़ी में आपको हैंडल है और गाड़ी का जो आप गाड़ी का जो ये लुक है ये बहुत ही एरोडायनिक लुक कंपनी ने इसका डिज़ाइन किया हुआ है। आप देखेंगे तो आपको इसमें पूरा एरोडायनिक लगेगा, जैसे कि आपके यहाँ से शुरू के वहाँ तक, ताकि आपकी गाड़ी जब हाई स्पीड में होती है तो वो आपको एयर प्रेशर कम करने में काम करे। जहाँ तक हमने आपको बताया था कि ये
बटन स्टार्ट है हाँ? तो ये हो गया उसका की हाँ? और देखिए ये जो है लॉक बटन हो गया, अच्छा ये अनलॉक बटन हो गया हाँ? ये बूट ओपन करने का हो गया हाँ? और ये आपको हो गया गाड़ी स्टार्ट, इंजन स्टार्ट बटन हाँ? ठीक है। तो आपकी, तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसका चारों डोर विंडो और हाँ? सनरूफ ओपन करके बटन से ही। ये देखिए जैसे हमने इसका अनलॉक बटन दबाया हाँ? ठीक है, गाड़ी अनलॉक हो गई हाँ? हम इसको कुछ देर प्रेस करके रखते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, देखिए गाड़ी का सनरूफ और साइड वाले मिरर सब चारों के चारों आपके डाउन हो गए हैं, सनरूफ भी आपका ओपन हो गया है। और अब हम इसको बताते हैं इसको फिर से गाड़ी को स्टार्ट करके, नहीं क्लोज विंडो क्लोज करके। ये देखिए ये लॉक बटन है, ये लॉक बटन को हम प्रेस कर रहे हैं, ये कुछ देर में ऑटो लॉक हो जाएगी आपकी। ये देखिए हाँ, चारों विंडो के पावर विंडो ऊपर जा रहे हैं और आपका ऊपर से सनरूफ भी आपका क्लोज हो गया। तो चलिए यही है इसका फीचर। और अब हम दिखाते हैं आपको इस बटन स्टार्ट करके, ठीक है। ये हमने गाड़ी अनलॉक कर दिया, ठीक है, ये बटन स्टार्ट बटन है, ये इसको हम प्रेस कर रहे हैं, देखिए गाड़ी मेरा स्टार्ट। फिर बटन से ही हम गाड़ी को ऑफ करके दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए फिर हम बटन ऑफ कर रहे हैं, मेरी गाड़ी ऑफ हो जाएगी, ठीक है, गाड़ी ऑफ हो गई। तो ये आपका हो गया साइड लुक, अब चलते हैं इसके बैक लुक में। तो चलिए बैक लुक में चलते हैं। तो गाड़ी का बैक लुक जो आप देख रहे हैं इसमें आपको ये सीट है, आपको ये बैक लाइट दी हुई है जिसमें आपको एक इंडिकेटर का है और एक आपको ये बैक लाइट दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको सीट टाइप का ये अच्छा, बहुत ही अच्छा है जो कि आपका फुली हैलोजन में दिया गया है। और यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे आईवीटेक ZX मॉडल है, ये टॉप एंड वेरियंट है पेट्रोल इंजन का। और आपको इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको सिविक की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे भी सेम एग्जैक्ट दिए हैं। तो आप जगह आप दूर से देखिएगा गाड़ी को, आपको ये बहुत सुंदर लगेगा। अब आपको यहाँ एक चीज आपको रियर पार्किंग कैमरा और यहाँ पे आपको फोर पार्किंग सेंसर दिए हैं, 1, 2, 3 और 4 उधर। और आपको ये रिमोट में ऐसा फीचर है जो आप इससे अपना बुक ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ तक दिखाते हैं आपको, ये फोन नहीं रहा है, रिमोट से आप इसका बूट ओपन हो जाएगा। ये देखिए अब हम आपको करके दिखाते हैं, ये मेरा बूट ओपन हो गया, इसका बूट ओपन हो गया। अब इसकी बूट की जो कैपेसिटी है वो है 430 लीटर। तो देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ऊपर एक बूट लाइट दी गई है, ये रही आपकी बूट लाइट। और चलिए इसका स्टेपनी खोल के देखते हैं। तो स्टेपनी में इसका यहाँ पे ऐसे किया और यहाँ पे आपका ये टूल किट दिया हुआ है कि आपका मान लीजिए टायर पंचर हो गया था वो चेंज कर सकते हैं। उसको हटाने के बाद इसमें आपको अलॉय व्हील प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये होंडा ने अच्छा किया कि होंडा ने कॉस्ट कटिंग गाड़ियों में, जहाँ तक ये की बात है, अगर हम उसमें कुछ डालते वक्त मेरा की इसके अंदर गिर जाता है तो ये देखिए वो करके दिखाते हैं, मेरा वो बंद नहीं, क्लोज नहीं करके दिखाते हैं। तो ये देखिए चाबी हम यहाँ डाल रहे हैं और हम ये क्लोज करके दिखा रहे हैं जो कि क्लोज नहीं हो पा रहा है। देखिए देखिए हमने तो इसका आपको गाड़ी में व्हील बेस दिया गया है, गाड़ी का लेंथ है ओवरऑल 4656 mm और गाड़ी की विड्थ है 1799 mm और गाड़ी की हाइट दी गई है 1433 mm और गाड़ी का ये जो व्हील बेस आप देख रहे हैं, गाड़ी का व्हील बेस है आपका 2700 mm। जैसे कि आप गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि मैं किसी महंगी लग्जरी गाड़ी में बैठ रहा हूँ। और इस गाड़ी में आपको कीलेस गो भी मिलता है, ये रही इसकी चाबी और ये रहा इसका डैशबोर्ड जो आपको पूरी लग्जरी फीलिंग देता है। और नई गाड़ी की आप जानते हैं कि खुशबू कितनी अच्छी होती है। तो चलिए ये रहा इसका डैशबोर्ड की फिनिशिंग, आप देख लीजिए, मतलब आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि आपको इसकी फिट फिनिश में थोड़ी गड़बड़ है। तो चलिए अब मैं गाड़ी का स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा इसी का भी पता लगे कि इसका कूलिंग कैसा है, सब कैसा है। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ। तो पहले आपको यहाँ से ब्रेक प्रेस करना है, उसके बाद आपको इससे यहाँ पे क्लिक कर देना। तो गाड़ी देखिए अभी हो गई है स्टार्ट, तो गाड़ी के AC स्टार्ट कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की MID के बारे में। तो MID में आपको यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये नॉब दिया हुआ है जिसको आप प्रेस करिएगा तो आपको यहाँ ट्रिप शो होगा, एवरेज शो होगा, फ्यूल इकोनॉमी शो होगा, स्पीड शो होगा, जिसमें कि आपका स्पीडोमीटर का लुक देखिएगा तो आपको ये फुल्ली डिजिटल दिया हुआ है जो आपको बहुत ही लुक इस गाड़ी का एनहांस करता है।
गाड़ी का स्टीयरिंग में आपको इस गाड़ी में सबसे यूनिक जो आपका ड्राइविंग फीचर है जिसमें आपको दिए गए हैं पैडल शिफ्टर, तो ये बहुत ही कम गाड़ी में इस रेंज की गाड़ी में देखने को मिलते हैं। और स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का फंक्शन दिया जाता है और यहाँ पे आपको ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का यहाँ पे सारे कंट्रोल। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस जगह से। तो इस जगह पे आपको मिल जाते हैं मिरर फोल्ड और अनफोल्ड करने वाले, और यहाँ पे आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर के जो ये हैं इनको आप OVRM को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये आपको लॉक अनलॉक का फीचर यहाँ मिल जाता है। ये आपके विंडो लॉक का यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है। और इस गाड़ी में 4 विंडोज़ हैं, तो आपको ये गाड़ी कीलेस स्टार्ट से मिलती है। तो चलिए पहले मैं आपको एक फीचर दिखा देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे से इस बटन को प्रेस किया तो जो साइड एंगल जो उस साइड से आपकी गाड़ी ओवरटेक कर रही है, यूजली क्या होता है कि हम लोग उस साइड में नहीं ध्यान देते हैं, गाड़ी हम अपनी उधर ले लेते हैं। तो इसमें आपको उस साइड का व्यू के लिए कैमरा लगाया गया है उस साइड मिरर में, जो कि आपको शो करता है कि उस से आपकी कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यही है। और यहाँ पे आपका इसका हैजर्ड लाइट का स्विच दे दिया गया है, जो आप प्रेस करिएगा तो आपको वो हैजर्ड लाइट, और यहाँ से मैं इसको फिर से प्रेस कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इसमें आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को जो 7 इंच का जो सिस्टम है इसमें आपको एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, GPS नेविगेशन और होंडा की एक ऐप है जिसका नाम है होंडा कनेक्ट, जो कि आपकी गाड़ी की लोकेशन आपको प्रोवाइड करेगी। और ऊपर आते हैं तो ऊपर में आपको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे ऑटो डिमिंग मिरर, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि आपकी रात में जो गाड़ी आती है उसकी लाइट को ही ऑटोमेटिक डिम कर देता है। और इंडिया में सबसे फेवरेट चीज़ जो गाड़ी में लोग चाहते हैं वो है इसका सनरूफ। तो ये मतलब ये देखिए इसका यहाँ पे कवर दिया हुआ है, और ये इसको हम ऐसे ओपन करके, और ये वन टच है, देखिएगा ये वन टच से ओपन हो गया। और इसमें आपको एंटी पिच गार्ड भी लगा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे हाथ रखिएगा तो वो आपको ये बताएगा। देखिए क्लोज करते पे देखिए ऑटो बैक चला गया। तो ये सनरूफ में ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा ऐसे हाथ रख के भूल जाता है, उसका हाथ में चोट आ जाती है। चलिए पहले ये सनरूफ को बंद कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया और ये आ गया। और आप बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे आपको मिरर विद वैनिटी मिरर विद लाइट दी गई है। तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है जिसमें आप विद लाइट और आपका अपना फेस देख सकते हैं। उसको ऐसे बंद करके इसको आप ऐसे कर देगा, और यहाँ पे आपको नॉर्मल हैलोजन मेरे ख्याल से कोई लाइट दी गई, ये और ये हो गया। यहाँ पे भी आपको वही सेम फीचर मिलता है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है जिससे आप अपना फेस देख सकते हैं। और ये गाड़ी में आपको यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक ये कार है, और यहाँ पे आपको ये ड्राइव पार्किंग न्यूट्रल ड्राइव स्पोर्ट, और यहाँ पे मतलब क्या होता है कभी कभार ऑटोमेटिक में हम लोग को, जैसे कि मान लीजिए आपका गियर ड्राइव पर है और फिर आपको मतलब रेड लाइट आई है तो आपको गाड़ी रोकनी है, तो आप क्या करिएगा ब्रेक होल्ड दबा दीजिएगा, जब तक आप एक्सीलेटर नहीं लीजिएगा तब तक वो आपको गाड़ी नहीं बढ़ने देगी। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक का सिस्टम मिल जाता है, हैंड ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे इको मोड का आपको एक बटन दिया गया है, ये आपको एक ये चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ मिल जाता है, और यही आप चलिए। और यहाँ पे आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का आपको फीचर मिल जाता है, जिसमें आप ऑटोमेटिक इसका क्लाइमेट सेट कर सकते हैं कि 21 डिग्री 22 डिग्री। अब बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। ग्लव बॉक्स में मतलब ये देखिए ना, आपको पूरी एकदम गुड फीलिंग आएगी, मतलब लगेगा कि मैं किसी महंगी लग्जरी गाड़ी में हूँ। और यहाँ पे सारे इसका बूटलेट मतलब बुकलेट रखा गया है। यहाँ पे एक लाइट दी गई है, लाइट जो आपको नाइट के समय में आपको अच्छी विजन प्रोवाइड करेगी। और इसमें कोई कूलिंग और हीटिंग का फंक्शन नहीं दिया गया है इस गाड़ी में। और ये सीट बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, और इसमें आपको जो ये सीट है ये ड्राइवर सीट, इसमें आपको 8-way एडजस्टेबल मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बताएंगे कि इसका सीट कैसा फंक्शन है। हम इसके ड्राइवर सीट एडजस्ट के बारे में आपको दिखा रहे हैं कुछ। ये हो गया ड्राइवर सीट, इसको हम कैसे एडजस्ट कर, जैसे कि हम ये बटन है मेरा, इसको अगर हम प्रेस करते हैं, ये देखिए मेरा सीट सीधा आगे की तरह झुक रहा है। अगर फिर इसको हम पीछे करते हैं तो जितना हमको पीछे ले जाना, जितना रिलैक्स करना है वो हम रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने देख लिया। और जहाँ तक थाई सपोर्ट की बात है तो ये कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ है, इससे आपको लंबा लॉन्ग टूर में भी आपको थाई सपोर्ट मिलेगा बहुत ही अच्छा। जो आप देखिए ये हम आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपको नीचे की ओर जा रही है बटन से ही, ये आपको फ्लैट हो गए। और फिर आप कंफर्ट के लिए इसको ऊपर करना चाहते हैं, जितना ऊपर हो आप खुद देखिए, खुद कर सकते हैं। एडजस्ट हो रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है पूरा, ये पूरा
ये पूरा ये देखिए ये पूरा अंदर चला गया हाँ, ये बाहर बहुत ही ऊपर आ गया है। हाँ, तो ये इसमें एक और अच्छा फीचर है, आपको कंफर्ट भी और अच्छा मिलता है। इस पे आपको बैठ के दिखाते हैं कितना कंफर्टनेस महसूस होगी। तो इसमें आप एकदम आराम से बैठ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए ये अभी अगर हम इसको नीचे की ओर ले जा रहे थे, ये नीचे चली गई ठीक है। अगर ये अभी हम इसको उठाना जा रहे हैं ठीक है आगे की ओर, ये देखिए मेरा सीट आगे की ओर जा रहा है ठीक है। हाँ जा रहा है धीमे धीमे, एकदम स्लो होता है वो। जैसे देखिए ये देखिए अब हमको हाँ ये सीट देखिए आगे 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 ठीक। ये देखिए थाई सपोर्ट हमको चाहिए, थाई सपोर्ट हम ले चुके हैं। तो यही है, ये हो गया इसका यूनिक फीचर। आपके इस गेट में आइएगा तो गेट में आपको यहाँ पे 1 लीटर की बोतल रखने की आपको यहाँ पे स्पेस दी गई है। और ये जो आप बटन देख रहे हैं नीचे से, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, ये बूट ओपनर है। यहाँ आप बटन प्रेस करिएगा तो आपको पीछे बूट ओपन हो जाएगा। अब चलिए गाड़ी का इंटीरियर मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया है, अब चलिए गाड़ी के मैं पीछे बैठता हूँ, आपको गाड़ी का आगे डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि पीछे से आगे कैसा लुक आता है, और पीछे बैठ के मैं आपको कम्फर्ट बताता हूँ वो बताता हूँ। तो आपको जो लंबे आदमी होंगे तो मेरा हेड रेस्ट हमको मतलब मेरे शर्ट से इतना गैपिंग बच रहा है छत पे, क्योंकि ये पूरी गाड़ी ऐसे होती है तो आपको यहाँ पे पीछे आके आपको थोड़ा जगह कम मिल जाती है। हेडरूम के कंफर्ट के मामले में आप यहाँ पे आराम से अपनी लॉन्ग ड्राइव इंजॉय कर सकते हैं इस गाड़ी में। तो यहाँ पे आपको दो कप होल्डर दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको एक हैंडल चाहिए जिससे आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अब बात है यहाँ पे आप 3 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं, तो वो एकदम आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन और ये बीच में हल्का हम्प है, तो बीच में आप कोशिश करिए किसी चाइल्ड को या कोई अच्छे मतलब बच्चे को बिठाने के लिए इसमें। तो और आपको यहाँ पे 2 AC vents प्रोवाइड किए गए हैं, और यहाँ पे आपको स्कूप्ड आउट सीट बेल्ट दी गई है, मान लीजिए स्कूप्ड आउट सीट, और यहाँ पे आपको इतने लेग स्पेस मिल जाता है। सीट उनके हिसाब से आगे वाली सीट एडजस्ट की गई है, और यहाँ पे ये आपको इतनी जगह मिल जाती है। पीछे इसमें सारे बंदों के लिए आपको सीट बेल्ट प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आपको SRS एयरबैग कर्टन एयरबैग आपको यहाँ से लेके वहाँ तक दिए गए हैं। इस गाड़ी के सेफ्टी के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में आपको एयरबैग मिलते हैं, ABS है, EBD है, 6 एयरबैग है इस गाड़ी में। और अब चलिए इसके इंजन के बारे में बात करते हैं कि इसके इंजन में आपको कितने शीशे का कितना टॉर्क देता है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आइसोलेशन प्रोवाइड की गई है ताकि आपको अंदर केबिन तक नॉइस कम आए। तो अब आइए बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, जो कि आपको सर बताएंगे। ये देखिए होंडा की IVTEC इंजन है, जो IVTEC के बारे में सब लोग जानते हैं कि IVTEC वर्ल्ड नंबर 1 इंजन है, जो अच्छा। जापान की टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये इसमें हो गया, ये 4 सिलेंडर हो गया गाड़ी। हाँ, 16 वाल्व। हाँ ठीक है। ये RPM आपको पावर प्रोवाइड करती है 141 एट द रेट ऑफ 6500। ठीक है। इसमें टॉर्क पावर हो गई तो 174। अच्छा, 174 RPM पे। ठीक है। और गाड़ी में डीजल पेट्रोल इंजन है ये? ये आप इसमें आपको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों में आती है। ठीक है। यहाँ तक बात करें पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन में 3 वेरिएंट है, VX और ZX। इस पेट्रोल इंजन में ये हो जाती है 1799 CC की, जो 1800 उसको माना जाता है। तो यही है इसके इंजन के बारे में। तो अब चलिए मैं आपको ये शोरूम का नंबर और इसका नाम और आपको जहाँ तक माइलेज की बात है, हाँ माइलेज के बारे में हम भूल गए थे, आप जी बताइए। माइलेज की बात है तो पेट्रोल इंजन इसका 16.5 माइलेज दे, 16.5, और डीजल इंजन इसका 26.5 माइलेज। ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको इसका प्राइसिंग लिस्ट देख के बता देता हूँ कहीं बैठ के, और इनका डीलर का नंबर और आपको एड्रेस बता देते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं इनके मतलब का गाड़ी का शोरूम प्राइस है और उनका डीलरशिप का नाम और नंबर। सर प्लीज़ बताइए। मेरा डीलरशिप का नाम हो गया प्रशांत ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्रशांत होंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर हो गया 7500875। अच्छा, तो ये नंबर आपको यहाँ कहीं स्क्रीन में शो हो रहा होगा। और आपका गाड़ी का एक्सरूम प्राइस जो ये मॉडल मैंने सबको दिखाया है, तो उसका एक्सरूम हो गया 20,99,000। जो जिस गाड़ी को आपने दिखाया है वो गाड़ी आपको पेट्रोल का टॉप वेरिएंट है। अच्छा, जिसका एक्सरूम आपको हो गया 20,99,900। ठीक है। इसमें सर पेट्रोल में आपको हो गया 3 वेरिएंट और डीजल में 2 वेरिएंट। पेट्रोल में ऑटोमेटिक और मैनुअल का ऑप्शन?
पेट्रोल में जो तीनों वेरिएंट है, तीनों ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन में है, और डीजल में दो वेरिएंट है, दोनों एमटी मैनुअल ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो पेट्रोल का आपको स्टार्टिंग हो जाता है बीएमटी, जिसका हमने बताया है, उसका आपको एक शोरूम आ जाएगा 17,69,900, एंड वीएक्स सीवीटी जो हो गया उसका 19,90,900, ठीक है। और जेडएक्स जो हमने आपको अभी दिखाया था उसका हो जाएगा 20,99,900, ठीक है। जहाँ तक डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में दो ट्रांसमिशन आता है, दोनों मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो इसमें एक आता है वीएक्स एमटी और एक आता है जेडएक्स एमटी। तो वीएक्स एमटी का आपको एक शोरूम हो जाता है 20,49,900, एंड जेडएक्स एमटी जो टॉप मॉडल है डीजल का, उसका आपको आ जाता है 22,29,900। तो पता है कि आपको सही जानकारी मिल गई होगी गाड़ी के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वायरी करनी है गाड़ी के बारे में तो आप इस नंबर, जो आपको ये नंबर बताया, उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। मतलब आपको आप 10:30 के बाद और 8:30 से पहले आप किसी से समय भी कॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और क्या करना है, और सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, और गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी के लाइट स्लो भी मिलती है। चलिए बाय बाय।